नमस्कार दोस्तों मैं हूं हिमांशु भट्ट दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने आम ना खाया हो लेकिन ज्यादातर लोगों को आम खाने का सही तरीका ही नहीं पता होता है इसलिए उन्हें आम खाने के बाद गैस ब्लोटिंग एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है कई लोगों को आम खाने के बाद लूज मोशन यानी दस्त और पेचिस लग जाते हैं और बहुत से लोगों को डायरिया भी हो जाता है बहुत से लोग तो सिर्फ इसलिए आम खाते नहीं हैं, क्योंकि आम खाने के बाद उनके फेस पर पिंपल्स निकल आते हैं दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आम को गलत तरीके से गलत चीजों के साथ मिला कर खाते हैं जिसे आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध आहार यानी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन कहा जाता है तो चलिए दी हेल्थ शो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी छह चीजें हैं जिन्हें आम के साथ नहीं खाना चाहिए और ना ही आम खाने से तुरंत पहले खाना चाहिए और ना ही आम खाने के तुरंत बाद खाना चाहिए आम के साथ सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं फ्रूट चाट बनाकर बहुत सारे फ्रूट्स को मिलाकर जब हम उसमें चाट मसाला मिलाते हैं तो बड़ा टेस्टी लगता है लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग फ्रूट चाट का कॉम्बिनेशन गलत है हमें एक टाइम पर एक ही फल खाना चाहिए अगर आप आम खा रहे हैं तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आम खाना चाहिए और आम के साथ ये ध्यान रखें कि हम उसमें सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल जैसे ऑरेंजेस संतरा नींबू टमाटर ग्रेप्स और कीवी जैसे खट्टे फल बिल्कुल ना मिलाएं और बहुत से लोग तो आम के साथ केला खाने के लिए भी मना करते हैं बहुत से लोग पके हुए आम में मसाले मिलाकर उसे बहुत चटपटा बना देते हैं लेकिन अगर हम आम के साथ ज्यादा मिर्च मसाले या गर्म चीजें खाते हैं तो इससे हमारे शरीर में पित्त दोष बिगड़ सकता है जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और हमारे चेहरे पर पिंपल्स भी निकल सकते हैं इसलिए ऐसा आप बिल्कुल ना करें और खाना खाने के तुरंत बाद भी आम नहीं खाना है और खाना खाने के तुरंत पहले भी आम नहीं खाना है और खाना खाने के दौरान भी आम नहीं खाना है खाना खाने और आम खाने के बीच में 30 मिनट से लेके एक घंटे तक का गैप जरूर रखें तभी वो आपको प्रॉपर बेनिफिट दे पाएगा हर इंसान ने मैंगो शेक तो पिया ही होता है हमने भी पिया है लेकिन मैंगो शेक का कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी के लिए गलत बताया जाता है बहुत से लोग मैंगो शेक को हमारी बॉडी के लिए हेल्दी मानते हैं लेकिन बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर इस कॉम्बिनेशन को विरुद्ध आहार मानते हैं लेकिन मेडिकल साइंस ऐसा नहीं मानती है इसलिए थोड़ा सिंपल और लॉजिकल तरीके से इस बात को समझते हैं हमारे जो पूर्वज हैं जैसे दादा दादी नाना नानी या उनके भी पेरेंट्स वो तो शेक नहीं पीते थे और ना ही उस समय मैंगो शेक का कोई कंसेप्ट था तब तो दूध भी आज से काफी ज्यादा प्योर और पौष्टिक हुआ करता था लेकिन फिर भी वो लोग मैंगो शेक नहीं बल्कि आम रस पीते थे लेकिन आम रस की जगह अब मैंगो शेक ने ले ली है आम रस में दूध नहीं मिलाया जाता था बहुत से लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है और कुछ लोगों को तो दूध से एलर्जी भी होती है लेकिन भारत में हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस को इग्नोर कर देते हैं और दूध से बनी चीज़ें खाते रहते हैं आजकल प्योर दूध भी आसानी से नहीं मिलता है ज़्यादातर लोग जो दूध पी रहे हैं वो मिलावटी दूध है इंजेक्शन लगा कर जबरदस्ती निकाला जाता है ऐसे में हम दूध और आम को मिक्स करके अगर मैंगो शेक बनाएंगे तो गैस ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन लूज मोशन और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होगी ही एक और बात है दूध होता है फुल डाइट हमारे शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं जब हम दूध में आम मिलाकर शेक बनाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा है, हैवी हो जाता है और आजकल हम लोगों का लाइफ स्टाइल वैसे ही खराब है क्योंकि हम एक्सरसाइज ही नहीं करते जिस वजह से ये हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है जिन लोगों का डाइजेशन पहले से ही खराब है और पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, है। उन्हें और दिक्कत दे देता है। इसलिए आम के साथ दूध दही पनीर जैसी चीजें ना खाएं तो आपके लिए ज्यादा ही अच्छा होगा फ्राइड फूड यानी तला, भुना हुआ भोजन ऑलरेडी बहुत हैवी होता है और हमारे शरीर को नुकसान भी देता है अगर हम इसके साथ आम खाएंगे तो ये हमारे शरीर के लिए और ज़्यादा हैवी हो जाता है और हमारी खराब लाइफ स्टाइल की वजह से पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती इसलिए तली भुनी चीज़ें आम के साथ ना खाएं। आम के साथ करेला खाने से भी मना किया जाता है अगर आपके घर में करेले की सब्जी बनी है तो ना तो करेले के साथ आम खाएं ना करेला खाने के तुरंत पहले और ना ही करेला खाने के तुरंत बाद आम खाना है यहां पर बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो सब्जी में आम का अमचूर डालते हैं कच्चे आम के साथ करेला मिक्स करके खाते हैं और सब्जी के साथ या रोटी के साथ हम अचार खाते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपको कच्चे आम के बारे में नहीं बल्कि पके हुए आम के बारे में बता रहा हूं वैसे जरूरी नहीं है कि करेले के साथ आम सभी को नुकसान दे लेकिन नुकसान होने की संभावना रहती है इसलिए थोड़ा ध्यान रखें आम खाने के तुरंत बाद पानी ड्रिंक या सोडा जैसी चीजें नहीं पीनी चाहिए और ना ही पानी पीने के तुरंत बाद आम खाना चाहिए ऐसा करने से हमारा डाइजेशन प्रोसेस बिगड़ सकता है इसलिए आम और पानी के बीच में 30 मिनट से लेकर 60 मिनट का गैप जरूर रखें एक बात और ध्यान रखें बहुत से लोग बाजार से आम लाकर उसे तुरंत धोकर खा लेते हैं ऐसा नहीं करना है लगभग दो घंटे तक बाजार से आम लाने के बाद उसे दो घंटे तक पानी में भिगो कर रखें और अच्छे से साफ करके खाएं। देखिए यह सभी बातें आयुर्वेद के सिद्धांत पर आधारित है लेकिन मॉडर्न साइंस इन सबको नहीं मानती है क्योंकि इससे रिलेटेड रिसर्च अवेलेबल नहीं है इसलिए अगर आप आयुर्वेद को मानते हैं तो इन बातों को अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं बाकी मानना या ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है वैसे अगर आप अभी तक आम को इस तरीके से खाते थे तो छोड़कर देखें और नहीं खाते थे तो खाकर देखें कुछ टाइम तक और फिर चेक करें कि इससे आपके पेट पर आपके डाइजेशन प्रोसेस पर क्या फर्क पड़ रहा है बाकी खाना या ना खाना ये आपकी अपनी चॉइस है इसके लिए हम आपको फोर्स नहीं कर सकते उम्मीद करता हूं ये आम के बारे में ये वीडियो आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और पसंद भी आया होगा और काफी कुछ आपने इससे जाना भी होगा अगर आपको सही में ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लोगों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि लोगों को भी पता चल पाए कि हाँ भाई आम खाने के साथ अगर हम इन चीजों को खाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है और इसी के साथ आयुर्वेद से जुड़ी कौन सी जानकारी आप चाहते हैं किन दवाइयों के बारे में जड़ी बूटियों के बारे में होम रेमेडीज के बारे में और किस बीमारी का उपचार चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको आयुर्वेद की पूरी जानकारी दी जाए ताकि आप आयुर्वेद के सहारे इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके और फिट एंड फाइन हो सके धन्यवाद